नमस्कार एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल की। वहीं जीत के लिए मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। अब अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये जीत साफ दर्शाती है कि 2019 में होने वाले आम चुनावों में भी वे ही लोगों की पहली पसंद होगी। जब पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, तब पुंछ इलाके में फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी कारण के गोलीबारी की। वहीं अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। यूपी चुनावी नतीजों के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती और अखिलेश यादव की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी इस बहस में कूद पड़ी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि एमसीडी चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए। मणिपुर में कांग्रेस के निवर्तमान मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला को इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि राज्यपाल ने ओकराम इबोबी सिंह को तुरंत इस्तीफा देने को कहा था ताकि भाजपा नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सके। कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर के मुद्दों को संसद में भी उठाने की तैयारी कर ली है। साथ ही पार्टी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए भी नोटिस दिया है। बता दी कि गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने ये याचिका दायर की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में अपना सालाना वेतन दान करेंगे। जी हाँ, उनका सालाना वेतन $4 लाख यानी करीब 2,65,00,000 रुपए है। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि व्हाइट हाउस का प्रेस कॉर्प किसी ऐसी चैरिटी को खोजने में मदद करे जिसे ट्रंप अपना वेतन दान कर सके। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति मामले में लखनऊ पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों रूपेश, विकास वर्मा पिंटू उर्फ अमरेंद्र सिंह को अरेस्ट किया है। दरअसल गायत्री के बेटों पर इन आरोपियों को शरण देने का आरोप है। वहीं दोनों बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि गायत्री प्रजापति पर एक महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी से यौन शोषण का आरोप है। रोहित वेमुला की मौत को अभी मुश्किल से एक साल भी नहीं हुआ कि होली की शाम जेएनयू के एक और छात्र की आत्महत्या का मामला गरमाता नजर आया। दरअसल तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले मुथु कृष्णन जीवानंदम का शव एक दोस्त के घर पंखे से लटकता हुआ मिला। वहीं अपने आखिरी फेसबुक पोस्ट में छात्र ने असमानता की बात की थी। राजधानी दिल्ली में गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल 5 लोगों ने मिलकर नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की से दुष्कर्म किया, जिनमें से एक लड़की का परिचित भी था। लड़की ने बचने के लिए बिना कपड़ों के ही पहली मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसके बाद लड़की ने सड़क पर लोगों से मदद की गुहार लगाई। हालांकि लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बंगलुरु में अरुणाचल प्रदेश के छात्र संघ ज्यादती का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि ज्यादा पानी बहाने पर मकान मालिक ने उससे जबरदस्ती जूते भी चटवाए और गंदी गालियां भी दी। जानकारी के मुताबिक हिगियो यूनेट बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 434 रन के लक्ष्य का पीछा करने वाले मैच में उन्होंने शराब पी रखी थी और 175 रन की धुआंधार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श आईपीएल के 10वें संस्करण में नहीं खेल पाएंगे। दरअसल भारत के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में मिचेल को कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद वे स्वदेश लौट गए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मिचेल मार्श को कंधे की चोट से उबरने में 9 महीने लग सकते हैं। हालांकि मिचेल को ऐसी ही समस्या का सामना साल 2009 के आईपीएल में भी करना पड़ा था। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का जन्मदिन है, जो कि आज 51 साल पूरा करके 52वें साल में कदम रख चुके हैं। इस मौके पर आमिर एक मराठी टीवी शो पर पत्नी किरण राव और पानी फाउंडेशन की टीम के साथ खास एपिसोड की शूटिंग भी करने जा रहे हैं, जहां ऑडियंस में किसान भाई लोग बैठने वाले हैं। फिर शाम को परिवार के लोगों के साथ आमिर क्वालिटी टाइम बिताएंगे। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने अपने पहले वीकेंड पर धमाकेदार बिजनेस किया है। फिल्म ने कुल मिलाकर लगभग 43 करोड़ का बिजनेस किया है। वैसे फिल्म ने अपनी रिलीजिंग के पहले दिन में 12,25,00,000 का बिजनेस किया था। रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया में फरहान सबीर ने ये कॉम्पिटिशन जीत कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बता दें कि ये ग्रैंड फिनाले बीते दिन हुआ। ग्रैंड फिनाले में 4 कंटेस्टेंट नियम कानू गोपर जीत सिंह, फरहान सबीर और रसिक बोरकर के बीच कड़ा मुकाबला रहा, जिसके बाद फरहान सबीर ने इस मुकाबले को जीत कर द वॉइस ऑफ इंडिया की ट्रॉफी अपने नाम की। मेरे साथ दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज के साथ। नमस्कार।